पिछले वीडियो में मैंने ये फ्लावर ड्रॉ करके दिखाया था, आज मैं इस फ्लावर को कपड़े पर पेंट करके बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 फैब्रिक कलर की और ब्रश की। मैंने मैरून कलर लिए हैं और गोल्डन कलर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। मैरून कलर से हम आउटलाइन करेंगे। ये जो सर्कल है इसकी आउटलाइनिंग हमें मैरून कलर से करनी है। मैंने आउटलाइन कर दी है मैरून कलर से। अब इसके अंदर हमें गोल्डन कलर फिल करनी है। ये देखिए इस तरह से। ओके, अब मैं इस फ्लावर को मैरून कलर से फिर से करूंगी। मैरून कलर से ये छोटी पत्तियों को, सारे पत्तियों को मैरून कलर से ही फिल करनी है। फिल करना बहुत इजी होता है, ये कोई भी कर सकते हैं। जिसे पेंटिंग करना नहीं आता वो भी ये फिल कर सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से पूरे पत्तियों को मैरून कलर से फिल कर दीजिए। ये देखिए मैंने सारी छोटी पत्तियों को मैरून कलर से पेंट कर दिया है। अब इसकी आउटलाइन हमें गोल्डन कलर से करनी है। इसी तरीके से हमें सारी छोटी पत्तियों पर गोल्डन कलर से आउटलाइन बनानी है। अब मैं बड़ी पत्ती के लिए रेड कलर यूज कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा किस तरह करनी है। रेड कलर से हमें इस तरह से लाइनें बनानी है, हल्की हल्के हैं, हल्की हल्की लाइनें हल्के हाथों से। इसी तरीके से पूरी पत्तियों पर बना लीजिए। ये फ्लावर बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। आप इस फ्लावर का यूज दुपट्टा बनाने पर, स्टॉल बनाने पर, साड़ी बनाने पर, पिलो कवर आदि कुछ भी बनाने पर यूज कर सकती हैं। इस तरीके से ऊपर थोड़ी सी एक लाइन बना लीजिए मोटी सी, और हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करते जाइए, लाइनिंग बनाते जाइए। ये देखिए इसी तरीके से आप सारी पत्तियों को बना लीजिए। ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारी पत्तियां बना ली, आप भी बना लीजिए। अब ये अभी गीली है, इसे सूखने दीजिए, उसके बाद ही आप गोल्डन कलर इसके ऊपर अप्लाई करिए। मैं अप्लाई करने का तरीका बता रही हूँ। ये गोल्डन कलर, अब मैं इसे हल्के हाथों से हल्की लाइनें दीजिएगा एक एक, ताकि इसकी शाइनिंग दिखे। इस तरह से इसी तरीके से सारी पत्तियों को आप बना लीजिए। थोड़ी गैप में लाइन दीजिएगा जैसे मैं दे रही हूं। इसी तरीके से आप बनाते जाइए। ये देखिए हमारी बनके तैयार हो गई है।
इस फ्लावर का यूज आप कुछ भी बनाने के लिए कर सकती हैं, दुपट्टे पर, स्टॉल पर, कुछ भी बना सकती हैं आप। ये देखिए, इस फ्लावर का यूज मैंने एक स्टॉल बनाने में किया था। ये बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद। फ्रेंड्स, ये जो बॉर्डर डिजाइन है, इसको बनाना मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।